अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? और आज मैं अपनी न्यू रेसिपी के साथ आ गई हूँ। और आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है हमारा शामी बर्गर। शामी बर्गर की मुझे बड़ी रिक्वेस्ट आई है कि मैम आप प्लीज़ हमें शामी बर्गर की भी रेसिपी जो है वो शेयर करें। तो आज फिर मैंने ना शामी बर्गर की रेसिपी सिलेक्ट की है। तो सबसे पहले हम इसके इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं शामी कबाब के। अच्छा, इसमें आपने 300 ग्राम चिकन लेना, चिकन बोनलेस, और वो हमारे पास जो है 500 ग्राम यानी कि आधा किलो चने की दाल, और 2 टेबलस्पून हमारे पास लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च, 2 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हल्दी, और ये सारा हमारा हॉल गरम मसाला जिसमें 3 से 4 इलायचियाँ हैं, दालचीनी है, और ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च हॉल, ज़ीरा, और ये देखें लौंग है 2 से 3, ये हरी मिर्ची हैं, और लहसुन है, और अदरक है। ये सिर्फ अभी जो मैं आपको सामने शेयर कर रही हूँ ये सिर्फ हमारी अभी शामी कबाब की रेसिपी है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 है, जिसमें हम सबसे पहले 1 ग्लास वाटर ऐड करेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना आपने। उसके बाद हम अपना चिकन ऐड करेंगे। ये हमारी भीगी हुई दाल थी आधा किलो, हमने ये ऐड की है, और ये सारा जितना जो मैंने अभी आपको क्वांटिटी बताई है सारे स्पाइस की ये ऐड करेंगे। ये देखें 4 हरी मिर्चें, 2 लहसुन के ये हमारे पीसेस कटे हुए, और ये हमारे पास लहसुन अदरक, और ये हमारे पास ऑनियन, ये हमारी रफ कटिंग की ऑनियन है, 2 ऑनियन है जिसमें से मैं इसमें 1 ऑनियन अभी ऐड करूंगी। ठीक है, चलिए, और इसको हम 12 से 15 मिनट का टाइम लगाएंगे कुकर में। ये देखें पानी नहीं आपने ओवर करना, पानी ये बहुत है, 1 गिलास पानी इसमें, और ये बड़ा अच्छा इसमें जो है हमारा हो जाएगा। तो 10 मिनट्स के बाद जो है ना हम इसे खोल देंगे। तो अब हम इसे कुक कर लेते हैं। ये देखें मैं अब इसे कुकर लगा रही हूँ। 12 से 13 मिनट में ये जो है हमारा शामी कबाब का मसाला तैयार हो जाएगा। फिक्स कर लूँ, ये देखें, ठीक है, मीडियम हीट पे आपने इसको चढ़ा देना है। 15 मिनट्स के बाद हम जब इसे ओपन करेंगे तो ये हमारा तैयार होगा, और हम फिर इसे चॉपर मशीन में पीस लेंगे। तो अब मैं आपको जो इतनी देर में हमारा ये होता है, तो मैं आपको जो बर्गर की सॉसेज हैं यानी कि शामी बर्गर की जो सॉसेज हैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। वो सॉसेज हैं जो मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ। एक में आपने लेना है ग्रीन सॉस है हमारी जो दही में मिक्स होगी, वो उसके लिए आपने 2 हरी मिर्चें लेनी है, और 2 टेबलस्पून के करीब आप अपना कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया ले लें, ये धुला हुआ हरा धनिया है, और ये हमारे पास है मिंट, सेम 2 टेबलस्पून ही हम मिंट ले लेंगे, 1 टेबलस्पून गार्लिक, ये देखें फाइन चॉप गार्लिक है, आप सादा भी ले सकते हैं, ये हमारे पास है कोरिएंडर सीड, ये भुना हुआ सीड है, साबुत धनिया जिसे आप कहते हैं, 1/2 टीस्पून ही आपका ज़ीरा, पिंच आपका क्रश ब्लैक पेपर, और 1 टेबलस्पून देखें सॉल्ट, मैं पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करती हूँ, आप वाइट सॉल्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा ग्राइंड होगा, इसी के साथ हमने 1 कप जो है अपनी योगर्ट ऐड कर देनी है। तो ये हमारी 1 सॉस। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें जो अभी मैंने आपके सामने सारा कुछ जग में डाला था, ये हमारी दही वाली सॉस तैयार है शामी बर्गर के लिए। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट सॉस है उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये देखें सिर्फ आम है, खाली अचार, अचार के मैंने सिर्फ आम लिए, उसके अंदर आपने गार्लिक लेना है, ज़ीरा धनिया का कोरिएंडर, और वो लेना है भुना हुआ, नमक भी नहीं चाहिए आपको, ना ज़ीरा चाहिए, ब्लैक पेपर, ये 3 चीज़ें लेनी है, और हमने अपना ये जो अचार है इसको भी हमने ब्लेंड कर लेना, तो ये भी हमारे पास एक पेस्ट की सूरत में आ जाएगा। मोस्टली लोग जो है वो ये वाली सॉस नहीं भी लगाते, तो आप जो लाल वाली उनकी रेड सॉस होती है बर्गर के अंदर वो भी लगा सकते हैं। तो अब मैं आपको सेकंड सॉस भी बता देती हूँ।
फ्रेंड्स देखें अभी तीन सॉसेज हैं, ये तो हमारे पास केचप है, बहरस है, नेक्स्ट मैं आपको जो है ये रेड सॉस भी बनाना सिखाऊंगी इनकी। अब ये आपके पास एक अचारी सॉस आ गई और ये आपके पास दही वाली आ गई और थर्ड हमारे पास रेड चैन के केचप आ गई। ये हमारा जो शामी बर्गर है ये इसकी हमने तैयारी की है। स्टेप वन में हमने शामी कबाब बनाए ताकि उसका मसाला हमने कराया हुआ है। सेकेंड में हमारी ये सॉसें तैयार हो गई हैं। अब थर्ड में हमने अपना सलाद काटना है। ये देखिए ये मैंने ना कुकर इसका खोल दिया है, यानी कि इसका कवर खोल दिया है, तो ये बड़ा अच्छा देखें हमारी दाल हो गई है। और सिर्फ एक गिलास पानी ही देखें मैंने डाला है जो आपके सामने डाला था। अब इसे बिल्कुल थोड़ा सा पानी है, इसे थोड़ा सा हम खुशक होने देंगे, फिर इसका हम फ्लेम बंद कर देंगे। फिर हम इसका चॉपर मशीन में शामी कबाब बनाएंगे और इनको साइड पर रख देंगे। तो अब हम आते हैं अपनी सलाद की तरफ। ये देखें ये कैबेज बंद गोभी, तो अब ये मैं इसकी कटिंग आपके सामने करने लगी हूँ। ये देखें बिल्कुल बारीक बारीक सा काटना है आपने। ये देखें स्लाइस ले से उसे दबा देना। शामी बर्गर में आप बंद गोभी डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, कई लोग ऑनियन भी डालते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। पर मैं जो शामी कबाब बर्गर बना रही हूँ मैं इसमें ये कैबेज का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है ये देखें कितनी अच्छी शेडर कटिंग हुई है हमारी। हर फूड की आप जो मर्जी डिश बना लें उसमें आपकी सबसे बेहतरीन जो है ना बेस वो ये कटिंग है। अगर आपको कटिंग स्किल्स आ गए तो समझे कि आपने अपनी आधी डिश तो पार कर ली। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है अब ये हमारी जो है कैबेज भी कट गई है। तो अब हम आप सबसे पहले जो है जो हमने अपने शामी कबाब थे इनको पीस लेते हैं इसका जो है, उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। अच्छा फ्रेंड्स ये देखें ये मैंने अच्छी तरीके से चॉपर मशीन में जो है ये अपना सारा मटेरियल जो है वो पीस लिया है। और अब आपने इसमें ये देखें चॉप की हुई 1 onion ऐड कर दी है। ठीक है उसके बाद ये है आपके पास कोरिएंडर 2 tablespoons के करीब, मिंट एंड कोरिएंडर दोनों आपने 2 tablespoons ले लेने। और ये है हमारे पास अंडे, मगर आपने यहाँ ये वैसे 4 अंडे हैं क्योंकि ये मैंने शामी कबाब के लिए निकाले, तो आपने सिर्फ 3 tablespoons इसमें ऐड करना है। और इसे हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। शामी कबाब आप बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं। देखें इसे अच्छा सा हम ये देखें मिक्स कर दें। शामी बर्गर के अलावा भी आप शामी कबाब बना के फ्रीजर कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको इसका भी टेस्ट बहुत पसंद आएगा। ये देखें मिंट का यानी के पुदीने का, हरा धनिये का, ऑनियन का बहुत जबरदस्त इसमें फ्लेवर आता है। और ये देखें अगर आप हाथ से भी चेक करना चाहें देखें बड़ी अच्छी आपकी टिक्कियाँ बनेंगी। ठीक है देखें तो अब ये हम इसकी शामी कबाब की टिक्कियाँ बना लेते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको अपना ये जो हमारे आज प्रेजेंटेशन भी होगी साथ, तो हम अपने जो फ्राइज हैं उसकी कटिंग भी। ये हमारे पास एक पोटैटो है जिसे मैंने पिल कर लिया है। ठीक है
ये जिधर से थोड़ा सा खराब है उसे हम कट कर लेते हैं। ये देखिए आपने साइडों से बहुत आप साइड दोनों काट ली हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इनकी चारों साइड, अभी देखे मैं इसे करूंगी तो ये गिर जाएगा, मैं इसकी चारों साइडों से सेफ देखें। और ये जो पोटैटो हमारे साइडों से वेजेस इसके निकलते हैं, हम इसे वेस्ट नहीं करते, हम मैश पोटैटो बना लेते हैं। तो ये मैं आपको इसकी ना फिंगर कटिंग, आपने देखना है कि आपका आलू कहीं से टेढ़ा तो नहीं है, ये देखें जिधर से आपको लगे आपने कर लेना है। अब ये देखेंगे आराम से कितने इजीली निकल आया है। अब मैंने इसकी स्लाइस काटनी है, ये देखें ये मैं फिंगर कटिंग निकाल रही हूँ फ्राइज के लिए, ठीक है। ये देखें ठीक हो गया। और नमक वाले पानी में ये देखें इसकी कटिंग देखें कितनी प्यारी हुई है फ्राइज की आपके, ठीक है। ये फिंगर कटिंग है हमारी और इसको आपने ना नमक वाले पानी में डिप कर देना है। हमारे शामी कबाब बन गए और मैंने इसको अंडे में डिप करके फ्राई करें। आज की रेसिपी आपकी माशाल्लाह बहुत आला है, आप इसे ज़रूर ज़रूर अफ्तारी में ट्राई कीजिएगा। अब तो रमज़ान मुबारक भी आपको सामने, बस आखिरी अशरे पे हम जा रहे हैं, ठीक है। वो फ्लेम चेक बेशक कर लिएगा अपना, और ये बड़े प्यारे आपके सामने तो आप बने। अच्छा अब ये अंडा है, इसमें मैंने हल्का सा ब्लैक पेपर और हल्का सा नमक जो है वो डाला है, और ये मेरे बीच में मैंने कटर लगाया है, ये देखें दो तीन। ये जो हमारा बर्गर पैटी है ना, जैसे जिसमें हम अपना बर्गर बन रखते हैं, सेम ये देखें उस हिसाब से ये हमारा बनेगा। देखिए अंडा फूल रहा है, इसको साइड पे कर दें, सेम हमारा ये देखिए। इसी लिए मैं दूसरा लगा देती हूँ, ये देखिए रंग थोड़ा सा फैला दें ताकि अच्छी तरह फैल जाए। और इधर हमारे शामी कबाब हो रहे हैं, हमारा थोड़ा सा लास्ट टाइप ही समझ लेंगे रह गया, जिसमें हमने इसे असेंबल करना था, यानी कि तीनों टाइप्स की आपकी सॉस, आपकी सैलेड और आपका ये शामी। ठीक है अब यहाँ मैं आपके सामने कर्ड भी लगा रही हूँ, थ्री टेबल स्पून, ठीक है। और यहाँ आपके पानी को वॉश कर रहे हैं, ये देखें फ्लेम थोड़ा सा ज़रा स्लो कर देते हैं, ये देखें। और हम इसमें नेक्स्ट लगा देते हैं, शामी कबाब बना के आप इसे फ्रीजर भी कर सकते हैं, और आपका जब दिल चाहे उसे फ्राई कर लें, शामी बर्गर बना लें,
कटर को आप साइड पे कर लें और यहाँ से आपने आराम से इसे थोड़ी देर में आप इसे साइड पे करेंगे। देखिए मैंने बहुत लेस ऑयल लिया है और लेस ऑयल में मैं ये अपना जो है अच्छा ये आपके सामने ही मैंने फ्राइज की कटिंग काटी थी। इसमें मैंने ब्लैक पेपर, सॉल्ट और चाट मसाला और ये वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा है कॉर्नफ्लोर, यानी कि 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, और इसे अच्छे से मिक्स करके ना 20 से 15 मिनट के लिए आपने रख देना ताकि तमाम मसाले जो हैं वो तो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये हमारी फ्राइज की रेसिपी थी जो मैंने आपको दे दी है और अब हमने यहाँ पर डीप फ्राई ऑयल रख दिया है ताकि ये फ्राई हो जाए और साथ ही अब मैं नहीं ये देखें बर्गर बन सेक रही हूँ क्योंकि अब सिर्फ हमारा असेंबलिंग का काम रह गया और इंशाल्लाह गला वो भी आपका ये देखें हल्का हल्का सा आपने बर्गर बन सेक लेने ठीक है। और हम अपने बर्गर बन सेक के ऊपर लगाते हैं ऊपर से कवर इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़्यादा ऑयल मत लीजिएगा, बस लेस ऑयल में कोशिश करेंगे आपका काम ख़त्म हो जाए। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया और यहाँ भी हमारा ऑयल जो है वो अच्छा सा गर्म नहीं हुआ, इसको मोलने दें। तो जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो फिर हम अपने फ्राइज इसमें ऐड करते हैं और ऑयल देखें अच्छा सा डीप फ्राई के लिए गर्म हो गया और अब मैं इसमें ये फ्राइज ऐड करने लगा हूँ ठीक है। और अब इतनी देर में हमारे यहाँ पे फ्राइज होंगे तो हम अपने जो बर्गर बंद है हम इसका काम सेट कर लेते हैं, यानी कि अब इसकी असेंबलिंग पे हम आ गए हैं ठीक है। चलिए सबसे पहले आपने बर्गर बन लिया और उसमें हल्का सा टोमेटो केचप लगाना, ये आपके सामने ही देखें सारी मैं असेंबलिंग करूंगी। फिर आपने लेटस, सलाद का पत्ता लेना है ये देखें और उसके ऊपर आपने एक अदद शामी कबाब रख के ना ये देखें ठीक है। सेम दोबारा से देखें क्या आपने लेटस को घुमाया ऐसे और उस पर एक शामी कबाब रखा और बटर नाइफ से आपने इसे थोड़ा सा पुश कर दिया ठीक है। सेपरेट सेपरेट मैंने कर दिए। अब आपने क्या करना है देखें, यह है हमारी अचार वाली चटनी, यानी कि जो मैंने एक अचार की सॉस बनाई थी एक दही की सॉस बनाई, तो आपने ये अचार वाली लेनी है और इसको इस कबाब के साथ हल्का सा पुश कर देना। ये देखें मैंने इसे अप्लाई कर दिया हल्का सा। अगर आप ज़्यादा मतलब खाना चाहते हैं थोड़ा तो इसका शार्प तेज़ फ्लेवर लेना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब आपने इसमें सब में थोड़ी थोड़ी सी कैबेज ऐड करनी है कैबेज ऐड करने के बाद आपने यहाँ से एग लेना है ये देखें कटर के साथ करेंगे ना तो ये आपका बहुत अच्छा होगा ये देखें ठीक है। जब आप इस पे आए तो फिर आपने दोबारा से इसके ऊपर हल्का सा केचप लगा देना। अगर आप इसमें कैरेट ऐड करना चाहें, ऑनियन ऐड करना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्जी है। अब हम इसके ऊपर कवर की तरफ आ रहे हैं ये देखें। अब आपने क्या करना है, ये जो हमारी दही वाली चटनी थी उससे आपने इसका जो कवर है उसे अच्छी तरीके से कर देना ये देखें आप चाहें तो इसके ऊपर दोबारा से अगर आपको ये सलाद ज़्यादा पसंद है ये देखें आप दोबारा से भी रख सकते हैं
ठीक है। ये देखिए हमारे बर्गर्स माशाल्लाह रेडी हैं, सिर्फ हमारी इनकी प्रेजेंटेशन करनी है और इधर हमारी ये बिल्कुल फ्राइज हो रही है। ये देखिए मैंने इनको छोड़ दिया था, मैंने इनको चमचा नहीं चलाया था, लेकिन कितने अच्छे से फ्राइज हो रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि अब हम इसकी प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हैं, इतनी देर में हमारे फ्राइज भी हो जाएंगे। फ्रेंड्स ये देखें, ये हमारे शामी बर्गर तैयार हो गए हैं। बीच में हमने प्रेजेंटेशन में फ्राइज़ भी रखे हैं। फ्राइज़ की रेसिपी भी मैंने आज आपके साथ शेयर की है और शामी बर्गर की भी रेसिपी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर मेरी रेसिपी पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर अपनी रमज़ान की इफ्तारी में की डिश में ज़रूर शामिल कीजिएगा और मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा कि आपको शामी बर्गर कैसे लगे हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं अपनी न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।